Hello students, now we'll be solving memory based question of GATE 2019. Hello students, welcome to the GATE Academy, myself Rishabh Shukla और हम बात करने जा रहे हैं morning session में आए हुए question की जो कि engineering mechanics आया हुआ है. Specifically बात की जाए तो D'Alembert principle का use है इसमें. Question कुछ इस तरह से है, a car of weight W is having its center of gravity at height H and moving with acceleration A, RR be the reaction force on a rear wheel and RF be the reaction force on front wheel. The center of gravity is exactly between the wheels. Determine करना है हमें RF और RR को in terms of W, H, L और A के terms में, ठीक है? तो बोल रखा है कि इस car का जो weight है वो W है, इसका जो acceleration है वो किसी direction में A है, RF और RR की value calculate करनी है, length between the wheels जो distance है उसकी value दे रखी है L और height दे रखी है weight, center of gravity की H height. From the base, तो हमें calculate करना है RR को, हमें calculate करना है RR को. तो अभी ये body जो है वो equilibrium में नहीं है, हम इसके ऊपर directly equation of static equilibrium use नहीं कर सकते, लेकिन एक बार अगर इसके ऊपर inertial force हम apply कर दें, तो D'Alembert principle का use करके अगर हम एक बार इसके ऊपर inertial force apply कर दें, तो उसके बाद फिर ये equilibrium में आ जाएगी, हालांकि उसको हम लोग dynamic equilibrium कहते हैं, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे equation of static equilibrium use कर पाएंगे. तो उसको use करने के लिए हम इसके ऊपर inertial force लगाएंगे. Inertial force का जो direction होता है वो opposite to the direction of acceleration of body होती है, और उसका जो magnitude होता है वो mass of the body into acceleration of the body होती है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा mass of the body into acceleration of the body. तो पहला equation, क्योंकि m के terms में नहीं पूछा हुआ इसलिए हम m को w by g लिख रहे हैं, और दूसरा है कि अब इसके ऊपर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अगर इनर्शियल फोर्स को हम इंक्लूड कर चुके हैं तो इसके ऊपर स्टैटिक इक्विलिब्रियम के इक्वेशंस को यूज किया जा सकता है. तो RF समेशन ऑफ FX इक्वल टू 0, समेशन ऑफ FY इक्वल टू 0, समेशन ऑफ FY इज इक्वल टू 0 जब हम करेंगे तो वहां से आएगा RF प्लस RR इज इक्वल टू W, और कोई भी फोर्स नहीं है बॉडी के ऊपर इन Y डायरेक्शन, तो RF प्लस RR मस्ट बी इक्वल टू W. इसके अलावा नेट मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू 0. तो अगर पॉइंट ए के अबाउट हम नेट मोमेंट 0 करें तो पता चलेगा कि आरएफ की वजह से एंटी क्लॉकवाइज, एमए की वजह से एंटी क्लॉकवाइज और डब्ल्यू की वजह से क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है. तो नेट मोमेंट 0 होने के लिए नेट क्लॉकवाइज मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू नेट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. तो लिख सकते हैं डब्ल्यू इंटू एल बाई 2, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि ये पास कर रहा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या फिर ये कह लें कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो पास कर रहा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टू टायर्स. तो इसलिए जो लेंथ होगी मोमेंट आर्म की, जो लेंथ होगी वो होगी एल बाई 2. ये हो गया हमारा नेट क्लॉकवाइज टॉर्क. नेट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के वो बराबर होना चाहिए आर एफ इंटू एल प्लस एम को लिखेंगे डब्ल्यू बाई जी इंटू एच. तो यहां से हमें आर एफ की वैल्यू आ जाएगी कितनी, डब्ल्यू बाई 2 माइनस W H by G L, W by 2 minus W H by G L. अभी हमारा जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है. R R को भी हम डिटरमाइन कर लेते हैं यूजिंग इक्वेशन 2. तो R F प्लस R R जो है वो W के बराबर है, तो R R की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी W माइनस R F. तो W माइनस W by 2 प्लस W H by GL. यहां पे जो इनर्शियल फोर्स की वजह से जो मोमेंट आएगा वहां उसकी वैल्यू होगी डब्ल्यू ए बाई जी इंटू एच. तो यहां पे आ जाएगा हमारा A. तो आर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बाई टू प्लस डब्ल्यू एच ए बाई जी एल. तो इसको हम कह सकते हैं कि हो जाएगा डब्ल्यू बाई 2 प्लस W H A by G L. तो R R की वैल्यू हो गई W by 2 plus W H A by G L, और R F की वैल्यू हो गई W by 2 minus W H A by G L. ऑप्शन C जो है वो हमारा दे रखा है कि R F की जो वैल्यू है वो है W by 2 plus W H A by G L,
और आर आर की जो वैल्यू है वो है डब्ल्यू बाई टू माइनस डब्ल्यू बाई जी एच ए बाई एल. तो ऑप्शन बी मस्ट बी द राइट आंसर. दैट इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब इट. थैंक यू. Thank you.